यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को समाप्त हो गया है। इस शीतकालीन सत्र के दौरान काफी वाद विवाद भी देखने को मिला। आपको बता दें कि सत्र के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाए। दरअसल अखिलेश यादव ने अनुपूरक बजट को लेकर बयान दिया कि जब खर्च सरकार कर नहीं पा रही तो फिर अनुपूरक बजट की जरूरत क्या है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने किसानों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीदारी क्या सरकार ने की या फिर निजी कंपनियों ने। साथ ही उन्होंने कृषि उपकरणों पर भी लगे जीएसटी को लेकर कहा कि इस पर 12 से 18% जीएसटी क्यों कर दिया गया है। वही अखिलेश के इन बयानों का सीएम योगी ने जवाब देते हुए अखिलेश को सपा सरकार के बारे में याद दिलवाई। सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले सरकारों को हमारे विरासत की चिंता नहीं थी। अगर उन्हें कुछ चिंता होती थी तो वो थी कब्रिस्तानों की। सपा की सरकार में पर्यटन को विकसित करने की कोई चिंता नहीं थी। हमने पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा दिया है। जातिगत जनगणना पर सीएम योगी का बड़ा बयान। सत्र के दौरान अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार बताए कि वो जातिगत जनगणना पर चुप क्यों है। सरकार जातिगत जनगणना को लेकर कभी जवाब क्यों नहीं देती? क्या सरकार को ये नहीं पता कि प्रदेश में पिछड़ा और दलितों की स्थिति क्या है? वहीं अखिलेश के इस बयान पर सीएम योगी ने जवाब देते हुए कहा कि जब आपके पास कोई मुद्दा नहीं होता तो आप जाति को बीच में लेकर आ जाते हैं। आपकी सरकार में आपने गरीबों के हक को भ्रष्टाचारी की भेंट चढ़ा दिया। तब आपको पीडीए की याद नहीं आती थी। जब प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस बढ़ता था तब आपको पीडीए याद नहीं आता था। तब के समय में तो अखिलेश निषाद और राजू पाल की हत्या होती थी। अब वक्त गुंडा राज और अराजकता चरम पर रहता था। आवारा पशु और भूषण खानों पर हुई नोकझोंक। सत्र में अखिलेश यादव ने आवारा पशुओं को लेकर कहा कि योगी जी सांड को नंदी मानकर उनको संरक्षण दे रहे हैं, ये उन्होंने खुद कहा था। आज यूपी की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा आवारा सांड दिखाई देते हैं। यूपी में गौशालाओं की क्या दुर्दशा है सबको पता है। क्या इसके लिए 250 करोड़ काफी है? गौशालाओं के नाम पर लूट है और मवेशी सड़क पर नजर आते हैं। सरकार को पिछले कई बार उन नामों की सूची दी गई है जिनकी मौत सांड के हमलों की वजह से हुई है। सरकार बताए कि उनमें से कितनों की मदद की गई। 250 की जगह 5,000 करोड़ सरकार दी। इसका जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि आपको पशुओं की नहीं बल्कि भूषण खानों के बंद होने की टेंशन है। ये सच नहीं कि हमारी सरकार ने सिर्फ 100 करोड़ ही गौवंशों के लिए खर्च किए हैं। हमने 11 लाख गौवंशों के लिए काम किया है। हमारा मूल बजट 3 करोड़ रुपए का है, लेकिन आपको सिर्फ भूषण खाने बंद क्यों हो रहे हैं इसकी चिंता है।